हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्क्वेयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम स्क्वेयर रूट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर नंबर गिवन है तो हम उसका स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यूब रूट्स का कैसे क्या मीनिंग है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्यूब रूट्स ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, अगर कोई नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स अगर है तो उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मेथड। रैशनल नंबर्स अगर गिवन है पी वाई क्यू की फॉर्म में तो उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मेथड और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब रूट्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यूब रूट से पहले हमें क्यूब का मीनिंग पता होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब, क्योंकि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो हम उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्यूब की बात कर रहे हैं, टॉपिक है क्यूब रूट, लेकिन क्यूब रूट से पहले हमें क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। तो क्यूब का क्या मतलब होता है? क्यूब ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स। क्यूब ऑफ ए नंबर, क्यूब ऑफ ए नंबर मतलब क्यूब ऑफ थ्री अगर मैं कहता हूं, क्यूब ऑफ फोर कह देते हैं, चलो क्यूब ऑफ फोर अगर कहता हूं तो इसका मतलब मुझे फोर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फोर इंटू फोर इंटू फोर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फोर रेज टू द पावर थ्री। तो किसी भी नंबर के क्यूब का क्या मतलब है कि उस नंबर को इटसेल्फ थ्री से थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इटसेल्फ थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो वैल्यू आएगी वो गिवन नंबर का क्या कहलाएगा, क्यूब। तो यही कह रहे हैं क्यूब ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स उसी नंबर को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, क्यूब ऑफ दैट नंबर, या इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं, क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज्ड टू द पावर थ्री। मतलब क्यूब ऑफ ए नंबर का क्या मतलब क्या है, उस नंबर की, उस नंबर की पावर जो है वो पावर क्या ले लें, थ्री। क्यूब ऑफ ए नंबर का क्या मतलब क्या है कि उस नंबर की पावर थ्री ले लें तो वो जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या कहलाएगी, क्यूब। फॉर एग्जाम्पल जैसे वन क्यूब कहते हो आप, वन क्यूब, तो वन क्यूब का मतलब क्या है, वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, इसका मतलब वन इज क्यूब ऑफ वन। इसी वे में अगर आप टू क्यूब सोल्व करते हो तो टू क्यूब का मतलब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू यानी एट, इसका मतलब जो एट है, ये जो एट है इस एट को हम क्या कह सकते हैं, क्यूब ऑफ टू, ये एट जो है, एट एट इज इक्वल टू क्या है, टू क्यूब, तो इस एट को हम क्या कहेंगे, क्यूब ऑफ टू, एट को हम क्या कहेंगे, क्यूब ऑफ टू। इसी वे में थ्री क्यूब का मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री यानी 27, तो 27 इज क्यूब ऑफ थ्री, सिंपल बात है। या हम अगर क्यूब ऑफ एक्स कहना चाहते हैं, क्यूब ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स को इट सेल्फ थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो x को थ्री टाइम्स मतलब क्या था, x इंटू एक्स इंटू एक्स यानी x क्यूब, क्यूब ऑफ x या x क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, द नंबर विच आर द क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। यानी ये जो नंबर है कहीं x क्यूब है या 27 है, 8 है, ये हमारे नंबर क्या कहलाएंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। जैसे 1, 8, 27, 64 का मतलब क्या होता है, 4 क्यूब, 125 का मतलब क्या होता है, 5 क्यूब, 216 का मतलब क्या होता है, 6 क्यूब, एंड सो ऑन, 7 क्यूब, 7 क्यूब क्या होता है, 343, एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये हम क्यूब के बारे में पता चल गया, अब हम क्यूब रूट की बात करेंगे। तो फाइंडिंग द क्यूब रूट, फाइंडिंग द क्यूब रूट मीन्स फाइंड ए नंबर हूज क्यूब इज नॉन टू अस। मतलब किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें उस नंबर का क्यूब पता होना चाहिए। वी में डिफाइन क्यूब रूट एज, क्या कह रहे हैं, द क्यूब रूट ऑफ एन, एन का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ एन क्या होगा, अगर मैं इस एन को एम इंटू एम इंटू एम यानी एम क्यूब लिख पाता हूं, एन को, एक नंबर है n, अगर इस n को किसी दूसरे नंबर का थ्री टाइम्स मल्टीपल लिख पाता हूँ, m इंटू m इंटू m, m इटसेल्फ से थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाला लिख पाता हूँ, तो जो क्यूब रूट ऑफ n है
वो क्यूब रूट ऑफ एन जो है वो क्या कहलाएगा, एम। क्यूब रूट ऑफ एन क्या कहलाएगा, एम। क्या कह रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर एन इज दैट नंबर विच वेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स। वो नंबर होगा क्यूब रूट ऑफ एन जिस नंबर को मैं इटसेल्फ थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, एन के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ एन इज एम। क्या कह रहे हैं, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर एन इज एम। अगर मैं ये कहता हूं कि क्यूब रूट ऑफ नंबर एन, क्यूब रूट ऑफ नंबर एन इज एम, अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एन है इसको मैं एम इंटू एम इंटू एम लिख पाऊंगा, यानी एम इंटू एम इंटू एम इज इक्वल टू एन, या क्या कह सकते हो एम क्यूब इज इक्वल टू एन, एम क्यूब इज इक्वल टू एन, या आगे हम बात करेंगे अभी एन रेज टू द पावर 1/3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम के इक्वल। एम क्यूब इज इक्वल टू एन यानी एन रेज टू द पावर 1/3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम के इक्वल। और यानी ये जो एन रेज टू द पावर 1/3 इसको हम क्या रीड करते हैं, क्यूब रूट ऑफ एन। जैसे एम क्यूब कहते हैं एम क्यूब, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूब ऑफ एम। ये एम का क्यूब है लेकिन अगर पावर 1/3 है तो वो क्यूब रूट कहलाता है, अगर पावर 3 है, पावर 3 है तो ये कहलाता है क्यूब ऑफ एम, और अगर पावर 1/3 है तो ये क्या कहलाता है, क्यूब रूट ऑफ एन। इसको हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ एन। तो इसको जैसे आगे भी यही करें, द क्यूब रूट ऑफ नंबर एन इज डिनोटेड बाय क्यूब रूट को, या तो ये जो रेडिकल साइन होता है, ये रेडिकल साइन होता है इसके अंदर यहां हमने 3 लिख दिया, या हम इसको क्या लिख देते हैं, एन रेज टू द पावर 1/3। ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, एन रेज टू द पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ एन को हम कैसे लिखते हैं, ये तरीका हो जाता है, या तो इस रेडिकल साइन के अंदर 3 लिख देते हैं या एन रेज टू द पावर 1/3। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ एन, ये क्या कहलाता है, क्यूब रूट ऑफ एन। और एम क्यूब इज इक्वल टू एन है तो हमने एम इज इक्वल टू क्या कह दिया, क्यूब रूट ऑफ एन, एम इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो जैसे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो मैं 8 का क्यूब रूट, पहले मैं क्या कह रहा था, क्यूब ऑफ 2 इज 8, 8 इज क्यूब ऑफ 2 कह रहा था, लेकिन अब मैं 2 को कहना चाह रहा हूं तो 2 क्या कहलाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। 2 जो है वो क्या कहलाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8, यहां से 2 क्यूब की वैल्यू 8 है, तो इस 8 को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, यानी 8 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। पहले हम क्या कह रहे थे, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 में लास्ट स्लाइड में हम क्या कह रहे थे, क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, लास्ट स्लाइड में हम ये वर्ड यूज कर रहे थे। देखो इसी को, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको लिखने के 2 वेज हो गए हमारे पास, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजीली समझ में आता है कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो क्यूब ऑफ 2 इज 8, क्यूब ऑफ 2 इज 8, लेकिन 8 को मैं कहना चाहूंगा तो क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब रूट ऑफ 8 2, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 बोलेंगे, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 यानी 8 रेज टू द पावर 1/3 जो है, ये जो मीनिंग है ये क्या है, 8 रेज टू द पावर 1/3 यानी 8 रेज टू द पावर 1/3 क्या है, 2 के इक्वल है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, यहां क्या है, क्यूब ऑफ 2, ये क्या है, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2 इज 8, और इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इस मीनिंग को माइंड में सेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी टॉपिक है, मजा आ जाएगा लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करने में, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। जैसे 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 है, तो क्यूब ऑफ 3 27 कहेंगे, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 27, क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। इसी वे में ये जो है क्यूब ऑफ 5 इज 125 है, क्यूब ऑफ 5 इज 125 है, तो इसका मतलब मैं 125 रेज टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्या कह दूंगा, 5, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप इजीली अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। फाइंडिंग क्यूब रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब, पहले एक बार क्या होता है कि हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स, जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइजर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 ही आएगा, क्योंकि 1, 3 और 9 थ्री फैक्टर्स हो जाते हैं उनके, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को, जो भी गिवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को हम केवल इन नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाए, चाहे कोई नंबर रिपीट 2 times हो जाए, 1 times हो, 3 times हो या हो ना, लेकिन उसको अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख पाए, तो वो उस नंबर की क्या कहलाती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो गिवन नंबर होगा उस गिवन नंबर के हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स में। गिवन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ग्रुप इक्वल प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स। ध्यान रहे, लास्ट लेक्चर में हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कहा था, 2-2 के पेयर्स बनाएंगे, लेकिन जब क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखें और उनमें आप 3-3 के पेयर्स बनाएं, 3-3-3 के पेयर्स बनाएं, वो सेकंड स्टेप में बात कर रहे हैं, ग्रुप इक्वल प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट करें उनको, और उसके बाद टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट, मतलब एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर ले लिया एक बार, दूसरे ट्रिपलेट में से एक ले लिया, तीसरे ट्रिपलेट में से एक ले लिया, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ दैट गिवन नंबर। तो पहले क्या करें, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट ऑफ प्राइम्स एंड मल्टीप्लाई देम टूगेदर, उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर का क्यूब रूट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो सीधी से उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता ही है 1728 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे लास्ट डिजिट में देखो, अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर में मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से है, तो सीधा 2 से होगा, ज्यादा सोचे ही मत, उसको सिंपल सा 2 से डिवाइड करें, 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर यहाँ 4 आ गया, तो इसका मतलब ये, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 2 1 जा 2 6 2 16, फिर 216 है तो फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से 27, 3 से डिवाइड होता है, इवन नंबर नहीं आया तो 2 से नहीं होगा, 3 से है तो 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 को फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे, यानी इनका अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 1728, और वो इसकी क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1728 को क्या लिखा, 2 into 2 into 2, 6 times है, और 3 into 3 into 3, 3 times है, और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, और तीसरा पेयर ये बन गया, 3-3 के पेयर, और इनमें से अब इन तीनों में से मैं 1-2, ये जो एक पेयर है इसमें से 1-2 ले लेंगे, अगले में से 1-2 ले लेंगे, और इनमें से 1-3 ले लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 3 क्या होता है, 12, और ये जो वैल्यू आती है, एक एक देखो, यहां मैंने क्या लिखा है, 1728 सबका प्रोडक्ट था, अब इनमें से जब मैं एक एक करके पेयर ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास इस 1728 का क्यूब रूट आ रहा है, तो क्यूब रूट आ रहा है, तो आप यहां क्यूब रूट ये लिखेंगे, और इज इक्वल टू 1728 इज इक्वल टू, मतलब लिख देना गड़बड़ जाए, या तो ये रेडिकल साइन के अंदर 3 लिखें, या 1728 होल रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू, जब पेयर में से एक एक पार्ट आप लेते हो, तो चाहे स्क्वायर रूट ले रहे हो तो 2-2 के पेयर में से लेते हो, क्यूब रूट वाले में 3-3 के पेयर में से एक एक प्राइम नंबर ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, तो आप क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर लिखेंगे, और वो हमारा क्या आ जाएगा, 12, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वेरी इजी, इजीली कर सकते हो।
नेक्स्ट इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68,600 शुड बी मल्टीप्लाइड, कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको आप 68,600 से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो रिजल्टिंग नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब, वो रिजल्टिंग नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब, और वो जो रिजल्टिंग नंबर होगा फिर आप उसका आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, सो ऑब्टेन जो नंबर आएगा उसका क्यूब रूट, जो गिवन नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो सिंपल सा पार्ट बनता है कि उस नंबर की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, उस नंबर की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, जितने तीन तीन के पेयर नजर आएंगे वो तो क्यूब रूट में है ही है, उनका तो क्यूब रूट में पार्ट आ ही जाएगा, लेकिन अगर मान लो मेरे पास इसमें 2 × 2 टू टाइम्स आ गया तो मुझे क्यूब रूट का फाइंड आउट कर पाऊंगा, अगर मुझे उसमें एक्स्ट्रा 2 और हो तो इसका मतलब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, अगर मेरे पास उसमें एक टाइम वन सिंगल टाइम 3 आ गया तो उसको हटा तो सकता नहीं, मैं उसको 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 3 × 3 वो क्यूब रूट में आ जाएगा मेरे पास, तो इसका मतलब जो भी पेयर 3 टाइम्स नहीं बनता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैं उतना ही पार्ट उसमें इंसर्ट कर दूंगा, और इंसर्ट करने के बाद वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब, तो वो मुझे किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो मैं देख लूंगा और वो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं 68,600 की प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 जीरो आ गए तो फिर 2 से होगा, 50 है तो फिर ये 2 से हो जाएगा, फिर 8575 आ गया तो यहाँ 5 है तो इसको 5 से कर लो, फिर 5 आ गया 5 से कर लें, फिर ये मेरे पास 343 रह गया, 343 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 7 क्यूब होता है वैसे भी हमें पता है, तो 7 से करेंगे तो 49, फिर 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 771, इसका मतलब ये जो था 68,600 उसको मैं इनका प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, तो 68,600 को हम ये प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखने के बाद मुझे ये देखना है, देखो एक तो पेयर ये बन गया मेरे पास, एक पेयर ये बन गया, ये नहीं बना, कैसे बनेगा ये पेयर, अगर मैं इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर देता, अगर मैं इस पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये एक पेयर बन जाएगा, और जब सभी के तीन तीन के पेयर बन जाएंगे इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया और मैं इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को, 5 से, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, भाई मैं इस गिवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, सिंपल, तो वी सी दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 7 अक्कर 3 times, 2 और 7 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 times अक्कर कर रहे हैं, 3 times अक्कर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये परफेक्ट क्यूब में हमारा रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आगे क्या करें, एड प्राइम फैक्टर 5 जो है वो 2 times अक्कर करता है, 5 2 times अक्कर करता है, तो दस द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब इज 5, तो ये 5 2 times था तो मैं एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, यानी इसका आंसर मेरे पास 5 आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, आगे एक परफेक्ट क्यूब वाला और फाइंड आउट करना, लेकिन मैं इसमें आपकी 1 minute और लूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल में तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, अगर मैं ये परफेक्ट क्यूब बन गया, अब मैं इसको अगर मान लो 3 × 3 × 3 से मल्टीप्लाई करने की कह दूँ तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से की बजाय मैं 5 × 27 यानी 135, अगर मैं इसको 135 से मल्टीप्लाई करता तो भी ये परफेक्ट क्यूब बनता, लेकिन मुझे यहाँ केवल नंबर नहीं कहा है, मुझे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर कहा है, तो 5 भी वैसे आंसर हो जाता है, 135 भी आंसर हो जाता है अगर स्मॉलेस्ट नहीं लिखा होता तो, और भी कई पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन स्मॉलेस्ट कहा गया है तो 5 ही आंसर आएगा, ये एक्स्ट्रा तीन तीन के पेयर 3 3 3 फिर मैं कह दूँ जी 7 × 7 × 7 भी कर लूँ, 11 × 11 × 11 भी कर लूँ, वो भी परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, लेकिन ऐसे तो इनफाइनाइट मैनी आंसर आ जाएंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है इनमें, वो माना कि ये भी परफेक्ट क्यूब बनाएंगे लेकिन हमें छोटे से छोटा नंबर बताना था जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि यहाँ बाई चांस मेरे पास इस क्वेश्चन की जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी इसमें मेरे पास 5 × 5 है, 2 times है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में केवल 5 होता, मतलब इसमें अगर केवल 1 times 5 आया होता
मैं इसको क्या कहता, क्योंकि मुझे थ्री थ्री के पेयर बनाने, तो मैं इसको क्या कहता 5 × 5 से मल्टीप्लाई करता, यानी 25 से मल्टीप्लाई करता, ताकि वो 5 5 का 3 का पेयर बन जाए। तो फिर उस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आ जाता 25, उस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आ जाता 25। लेकिन यहाँ 5 5 मेरे पास 2 टाइम्स है, तो मुझे केवल इसको 1 × 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आल्सो क्या कहा गया है, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन। नंबर न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर 68,600 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। कई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करने की 5 वाले केस में जरूरत नहीं है, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3, 3 4 3, 2 जीरो तो थी, 1 जीरो और आ जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स भी अगर हमें पता होता हूँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इसका यानी ये 3 4 3 000, मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ध्यान देना, हम इसका दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, ये दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे, अरे ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ना, तो ये तो थे ही थे, 1 5 और एक्स्ट्रा आ गया, 2 × 5 था, 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो सारे के सारे सेम रहेंगे, कहीं इसका भी क्यूब रूट फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट करें। अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद जो इस नंबर का क्यूब रूट होगा, इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा, इस पेयर में से 1 2 ले लेंगे, इस पेयर में से 1 5 ले लेंगे, इस पेयर में से 1 7 ले लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 70। तो यानी जो रिजल्टिंग नंबर है उसका क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 70। नेक्स्ट इज, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करने की बात की थी लास्ट क्वेश्चन में, इसमें हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 53,240 शुड बी डिवाइडेड। हम मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे थे, तो हम 3 का पेयर बनाने के लिए जितनी जरूरत थी उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, अब डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो 3 3 के जो पेयर्स होंगे वो रह जाएंगे, जो 3 के पेयर्स नहीं होंगे वो जितने भी पार्ट होगा उससे हम रिजल्टिंग नंबर को डिवाइड कर देंगे, सो दैट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट क्यूब, जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब आ जाए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, तो वही पहले 53,240 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, तो 0 है तो 2 से हो जाएगा, 26,620 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से, फिर इसको अगेन 2 से, यहाँ 5 आ गया तो इसको 5 से किया, फिर ये 1331 आ गया, 1331। तो हमें ये देखना है कि क्या ये 5 से तो होगा नहीं, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8 है, 8 है तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, 7 से आप देख सकते हो, फिर 11 से आप देखेंगे, 11 से आप देखेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा और क्या आ जाएगा 121, फिर 121 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11, और 11 को 11 से करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 53,240 है उसको हम इनका प्राइम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया, ये भी 3 टाइम्स पेयर, ये भी 3 टाइम्स पेयर, ये मेरे पास रह गया 5, ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस नंबर को इस 5 से ही डिवाइड कर दूं, इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 से 5 कट जाएगा, नंबर जो है वो क्या रह जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि इसमें मुझे जो नंबर दिया हुआ है अगर इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वी सी दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 11 जो है वो 3 टाइम्स अकर करते हैं, लेकिन 5 जो है वो 1 टाइम अकर करता है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट बिकम ए परफेक्ट क्यूब, वो क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर आ गया, लेकिन आंसर क्या आ गया 5, ये 5 स्मॉलेस्ट नंबर है। अब यहाँ मेरे पास 5 आया है, अगर मेरे पास यहाँ 5 के प्लेस पर 5 × 3 होता तो हम क्या कहते थे 15 आंसर आ जाता, 5 × 3 × 3 हो जाता तो 45 आंसर आ जाता, भी मैं इस पूरे से डिवाइड कर देता, अगर ये इंटू थ्री और हो जाता तो ये तो पेयर में चला जाता परफेक्ट क्यूब वाले, केवल फिर हम 5 से कहते। तो सिंपल सा मेथड है, मीनिंग पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व, और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 5 से न्यू नंबर क्या हो गया, ये आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है,
तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये पता चल गया 5 तो हट ही गया, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11 है, तो यानी इसका जो क्यूब रूट है 10648 होल रेज टू द पावर 1/3 अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 11 ले लिया, 22 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, अगर हमें ये पता है तो बिल्कुल इजी है, क्यूब रूट सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, बस एक स्लाइट चेंज है कि अगर हमारे पास वी नो दैट पॉजिटिव इंटीजर है x, तो देयर एग्जिस्ट ए नेगेटिव इंटीजर माइनस x, अगर x पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस x को क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। भाई 3 अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस 3 को क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। 5 अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस 5 क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर। तो इसी वे में अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है माइनस एक्स का क्यूब है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, और माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस हो जाएगा, एक्स 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 की मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, और उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट माइनस एक्स आ जाएगा, या इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, यानी माइनस एक्स क्यूब का जो क्यूब रूट है वो माइनस ऑफ एक्स क्यूब ऑफ क्यूब रूट, यानी सिंपल वे में कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पार्ट है ना, जो ये पार्ट है, कहने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव नंबर को भूल जाओ, जो ये पॉजिटिव वाला नंबर है ना, आपने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है जैसे पहले फाइंड आउट किया है, बस ध्यान क्या रखना पड़ेगा, उसके साथ जो आएगा क्यूब रूट उसके साथ ये माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हुए जो माइनस साइन को छोड़ दो, प्लस वाले नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो, वो जो क्यूब रूट आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन और आप लगा देंगे, तो वो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द माइनस थाउजेंड का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो माइनस थाउजेंड है तो यहाँ क्यूब रूट के अंदर था माइनस साइन, हम क्यूब रूट वाले साइन को बाहर ले जा सकते हैं, स्क्वायर रूट वाले को नहीं ले जा सकते, बस ये ध्यान रख लेना, माइनस का साइन बाहर चला गया तो ये थाउजेंड का क्यूब रूट आ गया। वैसे अब थाउजेंड का क्यूब रूट मुझे फाइंड आउट करना है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से कहता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अदरवाइज मुझे पता है माइनस जो क्यूब रूट है, थाउजेंड जो है मुझे पता है थाउजेंड क्या होता है, 10 × 10 × 10, तो ये तो 3 का पेयर ऑटोमेटिकली बन ही गया, तो मेरा डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 10। मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो वही थाउजेंड, थाउजेंड को 2 से डिवाइड करेंगे 500, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये मेरी 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी, तो 1000 को ये लिख सकते हो, और इसमें 3 का पेयर बनाएंगे और क्यूब रूट 1000 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना था, माइनस 1000 का क्यूब रूट, तो माइनस 1000 के क्यूब रूट में माइनस का साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000, और क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या है, 10, तो माइनस 10, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस 10। इसी वे में सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, माइनस ऑफ 3375, तो 3375 इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ अंदर है माइनस का साइन, क्यूब रूट के केस में ये साइन जो है वो बाहर आ जाता है, रेडिकल साइन के बाहर आ जाता है, यानी माइनस क्यूब रूट ऑफ दिस, और अब 3357 का आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, 3357 को 3 से डिवाइड किया 1125, फिर अगेन 2 से किया 375, 3 से किया 125, 5 कर लोगे, तो इसका मतलब 3375 को आप इन सब का प्रोडक्ट लिख सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ से 3375 का क्यूब रूट क्या आएगा, इस पेयर में से 1 × 3, इस पेयर में से 1 × 5, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, और हमें अब माइनस ऑफ 3375 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना था, तो उसमें माइनस साइन बाहर आ गया था, और ये वैल्यू कितनी है, 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, -15। तो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करने में कुछ खास नहीं है, नेगेटिव साइन को बाहर ले लो और बाकी जो पॉजिटिव नंबर रह जाता है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज
क्यूब रूट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स का प्रोडक्ट है और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, जैसे ए इंटू बी टू इंटीजर्स है और इनका प्रोडक्ट है और इसका क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या है, ए बी होल रेज टू दी पावर 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू दी पावर 1/3 इंटू, अलग अलग कर लिया, ए रेज टू दी पावर 1/3 इंटू बी रेज टू दी पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। मतलब अगर हमें प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो ये नहीं कि पहले उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करें, आंसर सेम आएगा, लेकिन पहले जो दो स्मॉल नंबर्स का प्रोडक्ट है तो हम अलग अलग उनका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लें, क्यूब रूट ऑफ ए फाइंड आउट कर लें, क्यूब रूट ऑफ बी फाइंड आउट कर लें, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी, यानी क्यूब रूट ऑफ ए बी जो फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करो, अलग अलग ए का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो, बी का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 125 इंटू 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, कई बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और फिर उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, अरे क्या जरूरत है, पहले आप 125, इसका मतलब क्या है, 125 इंटू 64 की क्यूब रूट का मतलब क्या है, 125 का क्यूब रूट फाइंड आउट करो इंटू 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करो, अब तो पता ही है वैसे तो इतनी प्रैक्टिस के बाद, 125 का क्यूब रूट 5 होता है और 64 का 4 होता है, तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, कर सकते हो। इसी वे में -216 और 1000 इनके प्रोडक्ट का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए वही क्यूब रूट ऑफ दिस में अलग से 216 का, -216 का क्यूब रूट कर लो और इसका कर लो, वैसे ये सॉल्व करके दिखाया है आपने तो करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 216 क्या होता है, 6 × 6 × 6, तो 216 का क्यूब रूट क्या मिलेगा, 6, और 1000 का तो पता ही है 10, तो -6 × 10 -16, प्रैक्टिस कर ही चुके हैं इसलिए डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ए बाई बी फॉर्म, ए बाई बी फॉर्म, ए एंड बी आर इंटीजर्स प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में जो भी है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ए बाई बी फॉर्म, ए और बी इंटीजर्स प्रोवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम ये स्टार्टिंग में नंबर्स का हमारा जो सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ही जो है एमडीसी का उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर का, तो है वही, जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी इसका मतलब क्या है, ए अपॉन बी, क्यूब रूट का मतलब क्या था, इस पूरे की पावर 1/3, और इसका मतलब क्या है, ए रेज टू द पावर 1/3 अपॉन बी रेज टू द पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, मतलब इनको ये नहीं कि पहले डिवाइड करने लग जाएं और फिर क्यूब रूट फाइंड आउट करें, अब क्या करो, सेपरेटली ए का क्यूब रूट फाइंड आउट करो, सेपरेटली बी का क्यूब रूट फाइंड आउट करो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी, यानी क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 216, क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 216, सेपरेट कर दिया, 125 का क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर ही चुके हो, 5 आ जाएगा, और 216 का क्यूब रूट, 216 क्या होता है, 6 × 6 × 6, तो ये 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/6, या आप इसको इसलिए में भी लिख के कर सकते हैं, जैसे मन में आए आप इसको सॉल्व करें। इस वे में लिखने के लिए क्या करेंगे, वन ट्वेंटी फाइव को 5 से करेंगे तो 25 को 5 से करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो 1, यानी 125 को क्या लिख सकते हो, 125 को क्या लिख सकते हो, 5³। इसी वे में 216 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी 216 को क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट, तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्या आ जाएगा, सिंगल टाइम 5 ले लेंगे, 216 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, इसमें से 2 लिया
इसमें से 3 लिया, 2 इंटू 3 6, और क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 216 क्या आ जाएगा, 5/6। एज योर विश, प्रैक्टिस होने के बाद आप कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एग्जाम में ये कहा जाता है कि इस क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे या 4 मार्क्स मिलेंगे तो आप डिटेल में भी कर सकते हो, एज योर विश जैसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें, उनको ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।